हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्वनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको मैथ पैकेज के बारे में बताऊँगा। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की है गोलैंग की, ये उसी सीरीज़ में एक अगला वीडियो है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उन पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया और यहाँ मैंने एक सिंपल प्रोग्राम जो गोलैंग में रन करवाया था वो लिखा हुआ है। अब हमारे सामने क्वेश्चन उठता है कि हमें मैथ पैकेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मैथ पैकेज हम इसलिए यूज़ करने जा रहे हैं क्योंकि सपोज़ मान लीजिए हमें एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का प्रोग्राम बनाना है, या फिर आपको अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो दोनों जगह आपको अंडर रूट की ज़रूरत होगी, और अंडर रूट का सिंबल जो होता है वो हमारे कीबोर्ड पे नहीं बना होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि कीबोर्ड पे नहीं बना होता है तो हम ये काम कैसे परफॉर्म करेंगे गोलैंग में। तो ऐसा नहीं है कि गोलैंग ये काम कर नहीं सकता है, गोलैंग ये काम कर सकता है। इस काम के लिए यहाँ पर एक पैकेज पहले से मिलता है हमको जिसका नाम होता है मैथ पैकेज। इस पैकेज के अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, जैसे सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, पावर फंक्शन, ठीक है, साइन कॉसाइन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि इनको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए हमको जैसे हम FMT पैकेज को इम्पोर्ट किए थे वैसे ही मुझे एक और पैकेज इम्पोर्ट करना होगा जिसका नाम होता है मैथ। तो अब अगर आप अपने प्रोग्राम में दो या दो से अधिक पैकेज इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे इम्पोर्ट का पहला क्वेश्चन तो ये होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट के बाद एक ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर हम दोनों पैकेज को इम्पोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले FMT लिख देते हैं डबल कॉमा में, उसके बाद इंटर प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर लग लेते हैं मैथ, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि चलिए ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने मैथ डिक्लेयर कर दिया और मैंने मैथ को यूज़ अभी तक नहीं किया है। तो चलिए अगर मुझे कुछ मैथ पैकेज का यूज़ करना है, SQRT निकालना है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सपोज वेर और x इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ इट, चलिए 81 लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए अब आता हूँ, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं लिखूँगा SQRT, ये मेरे फंक्शन का नाम है, और मैं इसमें x को पास कर देता हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये SQRT ऐसे नहीं, हम x अच्छा याद रखिएगा SQRT का ऐसे यहाँ पे कैपिटल होता है जैसे प्रिंट एलन का P कैपिटल होता है। अब मुझे इसको रेफरेंस करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा math.sqrt। अच्छा, चूँकि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो मुझे इसकी वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। तो मैं लिखता हूँ वेर res इज इक्वल टू math.sqrt। अच्छा, अब अगला कुछ मुझे मेरे पास अब x में एरर आ रहा है इसका, और अभी मैं क्या करता हूँ, इस पहले तो रिज़ल्ट की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि देखो मैं मेरी क्या वैल्यू आ रही है, तो प्रिंट एलन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ res, इसका मतलब होता है जो भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा वो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए इसको हम रन करवाते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है, एक एरर आ रहा है लेकिन फिर भी मैं रन करवा के चेक करता हूँ, देखूँ क्या एरर आ रहा है। चलिए ये एरर हमको क्या बता रहा है ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, कैन नॉट यूज़ x टाइप इंट, मीन्स मैंने जो x यहाँ डिक्लेयर किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कैसा होता है, इंटीजर है, इंट वेरिएबल है, और जो SQRT है ये एक्सेप्ट करता है कैसे, फ्लोट वैल्यू। तो मुझे इस x को नॉर्मल इंटीजर टाइप ना लिख के मुझे यहाँ मैं अगर लिख दूँ फ्लोट और 64, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ और दोबारा रन करवाता हूँ तो देखिए क्या होगा, एक मिनट, देखिए मुझे 9 मिल रहा है, यानी ये अब फ्लोट वैल्यू हो गई और इसका जो हमको जवाब मिल रहा 9, क्योंकि आपको पता है 9 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसा नंबर ले लेता हूँ, सपोज़
मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कोई नंबर, और मैं इसको कर देता हूँ 8 कर देता हूँ, ठीक है। और 8 का स्क्वायर रूट देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है क्या आएगा। तो मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ और देखो क्या आ रहा है। तो आप देखिए ये कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो दशमलव के कई डिजिट तक आ रही है। मान लीजिए मुझे ये वैल्यू को दशमलव के 2 डिजिट तक चाहिए, तो जाहिर सी बात है इसको आपको प्रिंट करवाने के लिए मैंने एक प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट बताया था कि आप दशमलव के 2 स्थान तक कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे प्रिंट एलन फंक्शन ना यूज़ करके आपको प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करना होगा, ठीक है। और आपको इसके अंदर लिखना होगा, मान लीजिए आपको दशमलव के 2 स्थान तक चाहिए तो आपको लिखना होगा परसेंट पॉइंट, चलिए 3 डिजिट तक ले लेते हैं, 3F, ठीक है, और कॉमा RES, और दोबारा रन कराइए इसको और आप चेक करिए। देखिए अब आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है, पहले जो आया था और अब जो रिज़ल्ट आ रहा है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिंट फंक्शन का भी यूज़ करके अपने जो आउटपुट है उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैथ पैकेज को यूज़ करिए, और अगर आपको काफ़ी और भी एक्सप्लोर करना है मैथ पैकेज के बारे में तो आप गोलैंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जा सकते हैं। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं वहीं से पढ़ पढ़ के बना रहा हूँ, तो आप भी वहाँ पे विज़िट करिए और चेक करिए क्या क्या वहाँ पे और मिलेगा आपको। अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।